सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे। तैयार हो गए? मैं टाइम से थोड़ा सा आधे घंटे लेट हूँ, तो जल्दी जल्दी उठ के तैयार हो गया। रेहान भाई गए नीचे बैग बांधने के लिए बाइक पे, तब तक मैं ऊपर छोटा सा बैग मतलब पैक कर रहा था, कुछ सामान रखा था और कुछ। चंडीगढ़ टू दिल्ली करते हैं क्योंकि टाइम से बहुत ज़्यादा लेट हूँ मैं यहाँ से। बाकी रेहान भाई चले गए नीचे बैग रखने के लिए, अब मैं भी जा रहा हूँ, बस जल्दी से निकलूँ यहाँ से, लेट हो गया बहुत ज़्यादा। बाकी एकदम खतरनाक से रेडी हो गया मैं, और घर से निकलने का टाइम हो गया अपना। अब चंडीगढ़ को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है लॉन्ग टाइम के लिए। वेल, सूरज मुंह पे आ चुका है और गुड मॉर्निंग हो चुकी है सबको। गुड मॉर्निंग, फाइनली हाईवे पकड़ लिया है, मौसम भी एकदम बढ़िया है। हल्की हल्की सी गर्मी लगने लग गई है मेरे को, मैंने बॉमर पहन रखा है ना, तो उसकी वजह से अब गर्मी भी लगने लग गई है क्योंकि धूप ठीक हो गई है। और ये सिर्फ फॉग फॉग सा है बस, इसमें सर्दी वगैरह कुछ नहीं लग रही है। फाइनली हरियाणा, अम्बाला आपका स्वागत करता है। सो फाइनली अम्बाला पहुंच चुके हैं। टाइम कितना हुआ? 10:36। सो गाइस, थोड़ी आलू हो गए ख़त्म और बची है चाय। चाय का ले रहे हैं मज़ा, और थोड़ी आलू बहुत बढ़िया थे, सब्जी मज़ा आ गया। उस टाइम सॉन्ग बजा रहे थे तो मैंने सिर्फ वीडियो बना दी थी। अभी चाय पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं सीधा। अभी बचा है यहाँ से 180 समथिंग, 2-3 घंटे और लगेंगे, आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सर्दी में ना मज़ा पूरा आ रहा है, अभी गर्मी भी इतनी नहीं लग रही है ना सर्दी लग रही है, बट मैंने इसको उतारा नहीं है क्योंकि साले इसको पहनने में 15-20 मिनट चले जाते हैं। अभी चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस, यहाँ से निकलने का टाइम, अब बॉडी में थोड़ी सी जान आई है ब्रेकफास्ट के बाद में, और माइक भी अभी मैंने ठीक कर लिया है, थोड़ा ऊपर कर दिया, पहले नीचे था, थोड़ी आवाज़ में भी दिक्कत आ रही थी और आगे का व्यू भी नहीं अच्छा आ रहा था। अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद में सारा कुछ सेटअप बढ़िया से कर दिया, फ्यूल अप कराना पड़ेगा, आगे कहीं फ्यूल सेशन मिले तो फ्यूल बढ़ाएं इसमें। चलो अब टेंशन ख़त्म, अब दिल्ली फुल होगी जाके, और अगर नीड हुई तो, नहीं तो बहुत चलेगा। 25-26 का तो एवरेज देती होगी, 310। चलो ब्रेकफास्ट करके बॉडी भी अपने लेवल पे आ गई है और फ्यूल भी अपने लेवल पे आ गया है। अबे अभी भी रिजर्व में दिखा रहा है ये, फुल करा दी। हाँ अब ठीक है, अब दोनों चीज़ें हो गई डन, और अब आगे की राइड का मज़ा लो लो, यही कमी रह गई थी। धूप भी हल्की हल्की पड़ रही है ना, और बॉडी टेम्परेचर भी एकदम ठीक है, सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही है, गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है, एक नंबर का मौसम हो रखा है। फाइनली हमारा दूसरा टोल गेट आ चुका है, दिल्ली बचा है यहाँ से 111 किलोमीटर। कुछ को पंजाब पे एक चीज़ बहुत अच्छी है, ग्रीनरी बहुत है, हर तरफ नज़र डालोगे ना खेती खेत दिखाई देंगे, खेती खेत देख रहे हो उधर, खेत ही खेत दिखाई देंगे। जिसने प्लाटिंग भी की है ना उसने भी खेती की है,
बस दीवारें खड़ी कर दी हैं, बाकी खेत बना दिए उसने, बढ़िया। और ये क्या जा रहा है भयंकर, वो सर ऐसा लग रहा है पूरी प्लेन या ट्रेन उठाने के लिए लेके जा रहे हैं। ये लो जी पानीपत का भी टोल आ गया, पानीपत का ही है ना। कौन परेशान है, पे पे पे। पानीपत दिल्ली, हमें तो दिल्ली जाना है। अब हमें दिल्ली जाना है तो इस साइड में जाना पड़ेगा पानीपत के लिए, उस साइड से है दिल्ली। यहाँ से बचा है अराउंड 50 किलोमीटर, तो एक छोटा सा ब्रेक ज़रूर लूँगा मैं इसको क्रॉस करने के बाद में। एक पानी का ब्रेक तो बनता है। यहाँ पी रहे थे पानी और एक राइडर भाई मिल गए अपने, जिनका यूट्यूब चैनल तो नहीं है बट राइड पे निकले हुए हैं काफ़ी टाइम से। अब डिसाइड नहीं हो पा रहा है मेरा, अब दिल्ली जाके डिसाइड करूँगा मनाली जाना है या फिर गोवा जाना है, पर ठीक है चलो फिर तुम निकलो इसके साथ और क्या। हाँ फिर मैं निकल जाता हूँ, मेरे को फिर उधर से रिटर्न आना पड़ेगा ना अकेले, अगर आप निकल जाओगे मिलेगा फिर वो बहुत घूम के पड़ेगा। नंबर ले लो मेरा। चलो ओके थैंक यू सर। भाई को जाना है आगरा साइड में तो उसको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था इस रोड पे, पर अब कोई दिक्कत नहीं है, मैंने साथ दे दिया थोड़ा भाई का। भाई देखो आप भी राइडर हो, वो भी राइडर है, और बाइक कम्युनिटी को वैसे ही रिस्पेक्ट है, उनकी हेल्प करो। अब मैं तो यहीं दिल्ली से हूँ, मैं एक बार इस रूट पे जा चुका हूँ, ये KMP वाला रूट है, इसमें बाइक अलाउड नहीं है वैसे, पर यहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं, ये भी मना करते हैं। लास्ट रेस कब पड़ेगा, टोल पे, अगर टोल पे जाने दिया तो ठीक है, अगर नहीं जाने दिया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। मैं तो एक बार निकल गया था पीछे से, साइड से निकल गया था एक बार, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अब भाई को ना हो दिक्कत, आराम से पहुँच जाए, हम भी अपनी मंजिल पर निकल जाएंगे। पुलिस वाले अंकल भी बढ़िया थे, वो भी बोल रहे थे अलाउड नहीं है, अगर जाओ तो चले जाओ, टोल पे रोके हैं तो देख लेना, नहीं तो निकल जाओ आराम से, अच्छे थे। चलो सैल्यूट है भाई, ऐसे पुलिस वालों को तो सैल्यूट है। चलो आ गए अपने फिर दिल्ली वाले रूट पे, यहाँ से बचा है दिल्ली 35 किलोमीटर, मैं ज़्यादा बता रहा था, 35 किलोमीटर बचा है। दिल्ली में आपका स्वागत है, क्या बात है, ये वाली हिंदी पढ़ ली मैंने। सो फाइनली दिल्ली पहुंच चुके हैं, और दिल्ली पहुंचने के बाद में सबसे खूबसूरत चीज अपनी तिरंगा, अपने हिंदुस्तान की शान, ये चीज है जो दिल खुश करती है देखने के बाद में, क्या खूबसूरत लग रहा है। भाई साहब अगर कोई कार से आया ना, 1-1.5 घंटा तो गया उसका। बस इतना ही है मेरा, ट्रक है पूरा, ये कहाँ से ले जाऊंगा, स्कूटी तो ले गया वो।
ये बाबूजी फोन चला रहे हैं यहाँ, हमें साला रास्ता नहीं मिल रहा है जाने का। और आश्रम पे शायद और मिलेगा मेरे को ट्रैफिक, ऐसा मेरे को आसार से लग रहे हैं। हो पूरे 2 घंटे जंग लड़ने के बाद में अब पहुंचा हूं जाके मंजिल पे, और अभी भी 4-5 मिनट लगेंगे। शॉर्टकट मारा है थोड़ी गलियों से, क्योंकि यहाँ की सारी गलियाँ बताएं, रोड पे तो ब्लॉक है पूरा ट्रैफिक से, वहाँ से तो जा ही नहीं सकता।